Good morning, students. Welcome to the e-lecture series of various subjects based on the Bundelkhand University syllabus on the behalf of Pehalwan Guru Din Prasikshan Mahavidyalaya Panari, Dalitpur. We are having a YouTube channel for those students who cannot attend the colleges and universities on daily basis. Today we have a guest, a very dedicated, eminent personality, M.A. NET, PhD in Hindi. In Hindi, having a more than 5-year experience in various degree college in Uttar Pradesh, Professor Ramesh Chand Patel sir. He will be discussing on the Hindi Sahitya Ka Itihas, Adikal Bhag 2. Welcome, Professor Ramesh Chand Patel sir. Have a discussion, please. Thank you so much, Vishal ji. आज मैं सबसे पहले अपने सारे स्टूडेंट्स को बहुत तहे दिल से नमस्कार करता हूं। आपने हमारे ए लेक्चर सीरीज का पहला भाग सुना और बहुत पसंद किया आप लोगों ने, और साथ ही आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी भी गई, प्रयास भी है कि और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको दी जाए। तो सबसे पहले मैं आज आप सारे स्टूडेंट से एक अनुरोध करूंगा कि आप लोग अपने पास एक पेन और एक नोटबुक जरूर रख कर बैठें, क्योंकि आज का जो आपके सामने सामग्री है, जो आपके सामने हम व्याख्यान लेकर आए हैं, इस व्याख्यान के माध्यम से हम आदिकाल के उन बहुत सारे अनछुए तथ्यों को और पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो आदिकाल के प्रथम भाग के व्याख्यान में हमने बताया और समझाया। आज उसके कुछ अंदरूनी पहलुओं पर हम डिस्कशन करेंगे। तो मेरा सबसे पहला अनुरोध है कि आप सभी लोग इस वीडियो को सबसे प्राथमिकता के तौर पे पूरा सुने और देखें, और साथ ही उसको गंभीरता से समझें। तो मैं सबसे पहले पिछले व्याख्यान का जो हमारा आखिरी पॉइंट था, उस पॉइंट से हम वहाँ चलकर शुरुआत करते हैं। उसमें हमने आपको बताया कि हिंदी साहित्य लेखन की समस्याएं और समय सीमा और उसमें प्रचलित जो विशेषताएं थी उन पर डिस्कशन हुआ। आज हम समय सीमा से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि हिंदी साहित्य लेखन की समय सीमा को लेकर हमारे पिछले व्याख्यान में बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में बताया, कुछ उनको सुधार की जरूरत नजर आई, तो हमने भी उसको नोटिस किया और हम वहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आदिकाल के समय सीमा को समानता ईस्वी सन और संवत को लेकर छोटी सी समस्याएं सामने आती हैं। तो ईस्वी सन और संवत को लेकर जहां तक सवाल था, मैं उस पर बात करते हुए बता दूं कि अगर हम ईस्वी सन से शुरुआत करते हैं तो समानता जो सर्वसम्मत मत माना जाता है वह है 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक, और जो संवत के दृष्टिकोण से माना जाता है वह संवत माना जाता है 1050 से लेकर 1375 ईस्वी संवत का। तो 1375 ईस्वी संवत और सन के बीच का अंतर आप जरूर याद रखें, क्योंकि ये गलतियां अक्सर हो जाती हैं। और अब हम विचार करेंगे आदिकाल की तिथि को लेकर के कौन कौन से विद्वान, कौन कौन से साहित्यकार अपने अपने मत किस प्रकार से रखते हैं। तो हम सबसे पहले आपके सामने जो विद्वानों ने अपने मत प्रकट किए हैं उसमें डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का हम आपके सामने रखते हैं। उन्होंने 993 ईस्वी से लेकर के 1693 ईस्वी तक का समय माना है, जो कि यह समय अगर देखा जाए तो हिंदी साहित्य लेखन के इतिहास के समय सीमा को लेकर इन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल के साथ साथ मध्यकाल को भी समेट लिया है, और समय सीमा बहुत पीछे तक जाकर के यहाँ शुरुआत होती है, और यह समय सीमा कहीं न कहीं अनुपयुक्त जान पड़ती है। दूसरा मत जो सबसे महत्वपूर्ण है सामने आता है वह है राहुल सांकृत्यायन जी का,
राहुल संकप्यान जी ने इस समय सीमा को 760 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक का माना है और हमारे हिंदी साहित्य लेखन को बहुत मुख्य आयाम देने वाले डॉक्टर क्रियर्सन जी ने 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक का समय माना है और तिथियों के संबंध में अपना महत्वपूर्ण विचार रखने वाले हमारे विद्वान मिश्र बंधु ने 700 विक्रमी संवत से 1444 विक्रमी संवत का समय माना है। लेकिन इन सारी तिथियों पर विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि जो सर्वसम्मत तिथि स्वीकार की गई है वह सबसे उपयुक्त है। तो हमारे स्टूडेंट जो विश्वविद्यालय BU से संबंधित हैं या अन्य विश्वविद्यालय या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित हैं उन सब के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है और यह तिथियां व्यक्तिगत रूप से पूछी जाती हैं और सर्वसम्मत मत भी पूछा जाता है। तो सर्वसम्मत मत जो है ईस्वी सन 993 से 1318 ईस्वी और विक्रमी संवत के दृष्टिकोण से 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत सर्वसम्मत माना जाता है। समय के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण तथ्य और पहलू जो है वह ये सामने आता है कि कौन से कवि कौन से साहित्यकार को हिंदी साहित्य का पहला कवि माना जाए, क्योंकि हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा का जो विकास होता है तो वह परंपरा साहित्य के साथ साथ पुस्तकाकार रूप से कहीं भी समग्र रूप से दिखाई नहीं पड़ती है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि रामकुमार वर्मा जी का जो समय हिंदी साहित्य के इतिहास के काल को लेकर है, अगर हम वहाँ से आए वहाँ से देखें तो कहीं ना कहीं हमारे पास ऐसी कोई रचना प्राप्त नहीं होती है जिससे हम किसी को एक प्रथम कवि के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि रचनाएं अगर साहित्य पुस्तकाकार रूप में सामने आए और अधिक से अधिक उसका जनमानस के बीच में उससे लाभ हो वह सबसे ज़्यादा प्रभावकारी हो तो उसको स्वीकार करना तर्कसंगत लगता है। लेकिन यहाँ पर सारी की सारी रचनाएं फुटकर के रूप में ही प्रतीत होती हैं, उन फुटकर रचनाओं के आधार पर किसी भी एक रचना या रचनाकार को हम साहित्यकार की श्रेणी में नहीं रख पाते हैं। हम देखते हैं कि हमारे बीच जो हमारे विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं उन विद्वानों में किसने किसको और किस प्रकार से हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना है। तो हिंदी साहित्य के जो प्रथम कवि के रूप में सर्वसम्मत अवधारणा है जो सर्वसम्मत रूप से स्वीकार किया गया है वह सर्वसम्मत रूप से स्वीकार करने के लिए विद्वानों ने जो अपना मत दिया है वह है सिद्ध कवि सराफा जी के लिए, क्योंकि सराफा की रचनाओं में हिंदी भाषा के जो शब्दों और भाषा की जो जरूरतें होती हैं उसका लक्षण कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने कौन कौन से कवियों को लेकर विचार व्यक्त किए, तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि शिव सिंह सेंगर जी ने पुण्य या पुष्य नाम कवि का जिक्र करते हैं, उनके नाम को लेकर वह सामने आते हैं कि वह हिंदी साहित्य के पहले कवि के रूप में स्वीकार किए जाने चाहिए। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी जो जैन कवि के रूप में हैं उनको सामने लेकर आते हैं और उनका मत है कि शालिभद्र सूरी जी को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाए। और वहीं पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा वह स्वयंभू को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि मानने के लिए अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 13वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी के कवि अब्दुल रहमान को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि मानने के लिए अपना मत प्रस्तुत करते हैं। और पंडित राहुल संकप्यान जी जो अपना उनका निजी मत भी था और सर्वसम्मत मत में भी उन्हीं कवि को
प्राथमिकता दी गई वह श्रापक को मानते हैं। यहाँ पे पूर्ण या पुष्प नाम का जो कवि का नाम शिवशंकर सिंह ने सुझाया है वह नाम कहीं से भी तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता है। उसके पीछे का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है यह है कि पुण्य या पुष्प नाम के कवि का कहीं पर कोई जिक्र नहीं मिलता है, कहीं पर कोई उनके नाम की चर्चा नहीं मिलती है या उनके नाम का कोई साहित्य नहीं मिलता है। और पुष्पदंत नाम से जिस कवि का तारतम्य या संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है वह उनसे बिल्कुल अलग है। तो इस प्रकार से स्वयंभू की रचनाओं में या रचना शैली भाषा को लेकर भी वह नहीं दिखाई पड़ता है जो सरापा की रचनाओं में दिखाई पड़ता है। अब्दुल रहमान कहीं ना कहीं बात के कवियों में आते हैं, तो इस प्रकार से जो सब सम्मत मत है वह सरापा का ही स्वीकार होगा। अब इसी प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रथम रचना को लेकर भी बहुत संशय है, क्योंकि रचनाएं बहुत सारी छोटी से छोटी फुटकर रचनाओं के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हैं, बहुत सारी रचनाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन उन रचनाओं में हम यह सिद्ध करने में असमर्थ हो जाते हैं कि किस रचना को हम हिंदी साहित्य की पहली रचना के रूप में स्वीकार करें। लेकिन जो सर्वसम्मत मत के रूप में सामने स्वीकार किया जाता है पहली पुस्तक आकार रचना के रूप में वह श्रावकाचार्य जो देवसेन द्वारा रचित रचना है उसको स्वीकार किया जाता है, क्योंकि इसके पहले जितनी भी रचनाएं चाहे वह सरापा की दोहाकोश हो या फिर अन्य रचनाएं हों उन रचनाओं में पुस्तका का स्वरूप नहीं दिखाई पड़ता है या पुस्तका का स्वरूप जैसे कोई उसमें लक्षण नहीं प्रतीत होते हैं। प्रथम कवि प्रथम रचना और समय के बाद जो महत्वपूर्ण आज विषय है वह जो हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण पांच हमारे सामने अलग अलग विशेषताएं और नाम दिखाई पड़ते हैं उनके कवियों और उनके बारे में थोड़ा हम आगे डिटेल आपके बारे में करेंगे। लेकिन सबसे पहले हिंदी साहित्य के आदिकाल को जानने के लिए हमें हिंदी भाषा के विकास पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स आप लोग इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि जितने भी नाम समय और विद्वानों के नाम और उनके द्वारा स्वीकार रचनाएं और कवि माने गए हैं ये अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग पूछे जाते हैं, ज़्यादातर प्रथम हिंदी के प्रथम कवि के रूप में कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है या किसे स्वीकार किया जाता है, या फिर कभी कभी सवाल हम लोगों के सामने ऐसे भी आते हैं कि आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है, या फिर हमारे सामने सवाल आता है कि शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है। तो दोस्तों इस चीज़ को आप लोग ख्याल रखिए, बिंदुवार एक एक बिंदु को आप नोट करते चलें। तो मैं सबसे पहले हिंदी भाषा के विकास क्रम पर थोड़ी सी एक नज़र डालते हैं और उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भाषा क्रम का विकास और आजकल का विकास किस प्रकार से होता है। भाषा क्रम के विकास में हिंदी भाषा का जन्म जो भाषा की जननी संस्कृत है वहाँ से मानी जाती है। संस्कृत के साथ साथ हिंदी का विकास किस प्रकार से होता है यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हिंदी के विकास क्रम में पूछा जाता है। सवाल हमेशा ये पूछा जाता है चाहे वह डिग्री कॉलेज या उच्च शिक्षा की वैकेंसी हो, TGT PGT की वैकेंसी हो, या फिर हम आजकल देखते हैं टेट सुपर टेट या पुलिस जैसे एग्जामिनेशन में भी ऐसे क्वेश्चन उठाए जाते हैं कि हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यहाँ है कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय पर आधारित हिंदी भाषा का अनिवार्य प्रश्न पत्र में यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। वर्ष पर वर्ष यह सवाल पूछा जाता है कि हिंदी का विकास क्रम क्या है। तो दोस्तों हिंदी का विकास क्रम में सबसे पहले आप देखेंगे संस्कृत का नाम आता है, फिर लौकिक संस्कृत के बाद पाली प्राकृत अभ्रंश के बाद अवहट का नाम आता है, अवहट के बाद हिंदी की बहुत सारी बोलियों का विकास अपने आप स्वतः दिखाई देता है
जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से प्रचलित हो जाती हैं। तो मैं आपके सामने हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है एक बार पुनः दोहरा देता हूं। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, उसके बाद हिंदी की जो आधुनिक स्वरूप है वह सामने दिखाई पड़ता है। लेकिन कहीं कहीं आपको ऐसे सवाल भी मिलेंगे, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, कहीं कहीं कुछ उसके पॉइंट्स बढ़ जाते हैं, कहीं कहीं कुछ घटा दिए जाते हैं। संस्कृत में लौकिक और वैदिक दोनों समाहित हो जाती है और जो हमारी प्राकृत भाषाएं हैं वह पाली, प्राकृत और अपभ्रंश को तीनों अलग अलग रखा जाता है और अपभ्रंश के स्वतः बाद हिंदी का विकास स्वीकार कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से इस चीज को नोट करके रखें। अब मैं आपको बता दूं कि इसको, इस क्रम को हमारे विद्वानों ने किस प्रकार से बांटा है। इसको हमारे विद्वानों ने स्वीकार किया है, तीन रूप में प्रस्तुत किया है, प्राचीन भारतीय राजभाषा, मध्यकालीन भारतीय राजभाषा, आधुनिक भारतीय राजभाषा। तो यहाँ पे अगर आप हिंदी भाषा का विकास क्रम समझ सके हैं या समझने में आप सक्षम हुए हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी का जो वर्तमान विकास क्रम है आधुनिक हिंदी भाषा के अंतर्गत आता है। तो प्राचीन भारतीय राजभाषा के अंतर्गत वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत को समाहित किया जाता है, उसको आच्छादित किया जाता है। मध्यकालीन भारतीय राजभाषा के अंतर्गत पाली, प्राकृत और अपभ्रंश को समाहित किया जाता है और आधुनिक भारतीय राजभाषा के अंतर्गत आधुनिक हमारी हिंदी बोलियों के विभिन्न जो उसके उप भाषाएँ हैं उसका विकास होता है। तो मैं प्राचीन भारतीय राजभाषा और मध्यकालीन राजभाषा का विकास किस किस समय में और कैसे हुआ है इस पर हम आपको समय के बारे में थोड़ा डिटेल देते हैं। समय का डिटेल इस प्रकार से है, प्राचीन भारतीय राजभाषा के विकास क्रम में हम वैदिक संस्कृत को 2000 ईसा पूर्व से लगभग 800 ईसा पूर्व तक स्वीकार करते हैं और लौकिक संस्कृत जो ऋग्वेद, सामवेद और अथर्वेद, यजुर्वेद के बाद अथर्वेद का जब विकास होता है, अथर्वेद में संस्कृत का स्वरूप थोड़ा से अपने मूल स्वरूप से बिगड़ जाता है और उस मूल स्वरूप के बिगड़े हुए स्वरूप बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है लेकिन कुछ उसमें देसीपन या यूं कह लें कि जहाँ पर शब्दों में बहुत ज़्यादा समास शैली का प्रयोग होता था उसका कहीं ना कहीं टूटना तय हो गया था, वहाँ पे भाषाएं शब्दों को तोड़ तोड़ कर प्रस्तुत की जा रही थी। तो यहाँ पर जब हम ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के बाद अथर्वेद पर आते हैं, अथर्वेद की जो संस्कृत है उसका स्वरूप लौकिक संस्कृत की श्रेणी में प्रारंभ हो जाता है और उसका समय, उसकी समय सीमा जो है वह 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक स्वीकार की जाती है। अब हमारे सामने मध्यकालीन भारतीय राजभाषा का जो विकास है उसके अंतर्गत तीन प्रमुख बोलियां या तीन प्रमुख भाषाएं सामने आती हैं। इन तीन प्रमुख भाषाओं में जो पहली महत्वपूर्ण भाषा सामने दिखाई पड़ती है वह पाली है। पाली या बुद्ध की, भगवान बुद्ध की भाषा थी। भगवान बुद्ध अपने नियमों, अपने उपदेशों का लोक में जनता के बीच जगह जगह जाकर इस भाषा के माध्यम से अपनी बात को, अपनी वाणी को जन जन तक पहुँचाया और उनके नियमों, उनके सिद्धांतों और उनके बताए गए रास्तों पर जो लोग जनमानस ने स्वीकार किया वह पाली भाषा के रूप में हमारे सामने दिखाई पड़ती है। अब दूसरा जो क्रम, सबसे पहले हम पाली भाषा का समय आपको बता दें, 500 ईसा पूर्व से लेकर इसका 20वीं शताब्दी, प्रथम 20वीं शताब्दी तक स्वीकार किया जाता है। तो 500 वर्षों का यह समय जो है गौतम बुद्ध की पाली भाषा प्राथमिकता से सामने आई और उसी के आधार पर पाली भाषा को स्वीकार किया जाता है जो कहीं ना कहीं हमारी लौकिक संस्कृत से और थोड़ा से बिगड़ा हुआ स्वरूप या उससे बदला हुआ स्वरूप
जनता के सामने दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पे जो ईस्वी सन, प्रथम ईस्वी सन से लेकर 500 ईस्वी तक स्वीकार की जाती है वह है प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा जो महावीर की भाषा है जैन धर्म की, और जैन धर्म का प्रचार प्रसार और जैन धर्म के प्रचार प्रसार के साथ साथ जो लोग मानस लोक में जन जन तक पहुंचाने का कार्य जिस भाषा के माध्यम से किया उसे हम प्राकृत भाषा मानते हैं। अब प्राकृत भाषा और पाली भाषा के बाद क्रम आता है अभ्रंश का। अभ्रंश भाषा कहीं ना कहीं इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है बिगड़ा हुआ। अब यहाँ पे यहाँ निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली और प्राकृत के बाद जो संस्कृत का सबसे बिगड़ा हुआ रूप हमारे सामने दिखाई पड़ता है वह अभ्रंश के रूप में दिखाई पड़ता है। और अभ्रंश का समय 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक स्वीकार किया जाता है। और यह 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक का जो समय है यह समय अत्यंत ही हिंदी साहित्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण समय है। और यहाँ से ही हिंदी साहित्य के इतिहास का क्रम और हिंदी साहित्य के विकास का क्रम दिखाई पड़ता है। तो सबसे पहले आदिकाल को जानने के लिए, आदिकाल की प्रवृत्तियों को समझने के लिए हिंदी साहित्य के विकास क्रम को समझना बहुत ही अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं आदिकाल। आदिकाल का प्रारंभ स्वाभाविक रूप से हमें दिखाई पड़ता है कि जैसे जैसे पाली और प्राकृत का समापन होता है, अंत होता है, वो जहां से वह समाप्त होती है वहीं से अभ्रंश का प्रारंभ हो जाता है। अभ्रंश के प्रारंभ में अभ्रंश का जो हिंदी के रूप में परिवर्तित रूप दिखाई पड़ता है वह स्वतः हिंदी नहीं हो गई। उनके लेखकों में, कवियों में या उनकी जो रचनाकार थे उनकी बोलियों में भाषा धीरे धीरे संस्कृत के बिगड़े हुए रूप से हिंदी, पाली, प्राकृत सभी के शब्दों का कहीं ना कहीं स्वरूप दिखाई पड़ता है। और हिंदी साहित्य का आजकल कुछ इसी प्रकार से ही हमारे सामने प्रस्तुत है जिसमें हिंदी साहित्य के आजकल का बहुत सारा स्वरूप, बहुत सारी भाषाएं, रचनाएं, रचनाकार उसमें एक दूसरे में समटे हुए दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर अभ्रंश का जो अर्थ होता है वह बिगड़ा हुआ है और उस बिगड़े हुए स्वरूप का बोध भाषा के विकास से है, क्योंकि यहाँ पे भाषा के बिगड़ने और बनने दोनों के बीच हम यूँ कह सकते हैं कि यह संस्कृत और हिंदी के बीच का आखिरी पुल है जहाँ से या तो मिलते हैं या दोनों अलग हो जाते हैं। यहाँ से हम कह सकते हैं कि दोनों का मिलन और दोनों का विछुड़न दोनों तय होता है। सबसे पहले हम अभ्रंश के विकास क्रम में देखते हैं कि अभ्रंश का विकास क्रम कैसे और किस प्रकार से हुआ और हिंदी के रूप में वह किस प्रकार से हमारे सामने दिखाई पड़ती है। तो अभ्रंश का जो विकास हमारे सामने दिखाई पड़ता है वह हमारे बीच में भरत मुनि, भरूचि जैसे साहित्यकारों की रचनाओं को पढ़ने के बाद जो तीसरी चौथी सदी के आसपास का समय माना जाता है भरत मुनि का, जो संस्कृत के नाटशास्त्र के बहुत बड़े रचनाकार के रूप में हमारे सामने हैं, उनसे पता चलता है कि उस समय तक अभ्रंश का जन्म नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही पांचवीं, छठी, सातवीं शताब्दी के आसपास का समय आता है उस शताब्दी तक भामा, बाणभट्ट, अन्य प्रवृत्त जैसे रचनाकारों की रचनाओं में अभ्रंश शब्द का प्रयोग दिखाई पड़ता है। और उस अभ्रंश शब्द का प्रयोग जो है वह प्रकृति के बिगड़े हुए या प्रकृति के समापन का स्पष्ट आभास दिखाई पड़ता है। इस प्रकृति के समापन का आभास विद्वानों की रचनाओं के साथ साथ जो पहला अभ्रंश शब्द का उल्लेख मिलता है वह हमें इस आधार पर भी कह सकते हैं या मान सकते हैं कि इसका सबसे पहले जो उल्लेख हमारे सामने दिखाई पड़ता है वह हम यूं कह सकते हैं कि एक हिंदी साहित्य के अभ्रंश के प्रमुख कवि के रूप में हमारे बीच बल्लवी एक साम्राज्य होता है। बल्लवी साम्राज्य के
जो राजा धारसेन जी के पिता संस्कृत के और पाली के प्राकृत के अच्छे रचनाकार के रूप में हैं, तो वहां से अभ्रंश का पहला स्पष्ट नाम और स्वरूप दिखाई पड़ता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो इस हिंदी के विकास क्रम का धीरे धीरे स्वरूप हमारे सामने विकसित हो रहा था, वह विकसित स्वरूप अब सातवीं शताब्दी से पनपना शुरू हुआ। इस सातवीं शताब्दी से लेकर अब तक का जो भी समय सामने हमारे आया, जो दिखाई पड़ा, उसमें जितने भी रचनाकार आए, चाहे वह रचनाकार हम सिद्ध साहित्य के कह लें, चाहे जैन साहित्य के कह लें या अभ्रंश साहित्य के, इनके बीच भाषा को लेकर कोई मौलिक अंतर स्पष्ट सामने दिखाई नहीं पड़ता है। और यह मौलिक अंतर न दिखाई पड़ने के कारण ही हम हिंदी साहित्य के जितने भी हमारे सिद्ध जैन और अभ्रंश साहित्य के रचनाकार हैं, उनके बीच कोई बहुत विशेष अंतर नहीं हो पाता है। वह इसीलिए भी नहीं हो पाता है क्योंकि भाषाई आधार पर उनका हम कोई विभाजन सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनकी रचनाओं की जो प्रकृति है, जो उनकी रचनाओं का क्षेत्र था, उसके आधार पर हम कुछ कवियों को अभ्रंश के अंतर्गत रखते हैं और कुछ को हम सिद्ध के अंतर्गत और कुछ को हम जैन के अंतर्गत रखते हैं। हम सबसे पहले अभ्रंश में प्राकृत और अभ्रंश से मिश्रित रचनाओं के रूप में जो हमारे सामने कवि दिखाई पड़ते हैं वह स्वयंभू हैं। हम स्वयंभू को देखते हैं और उनसे पाते हैं कि कहीं कहीं वह प्रकृति के भी कुछ शब्दों का प्रचलन उनकी रचनाओं में दिखाई देता है, कहीं न कहीं वह अभ्रंश से भी, अभ्रंश की जो बोलियां हैं, जो शब्द हैं, उससे भी वह दिखाई पड़ते हैं लिखते हुए। और स्वयंभू की जो रचना हमारे साहित्य में मिलती है वह पौन चरित्र है, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र को लेकर लिखी गई है और या उस समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण रचना है, क्योंकि वह समय भी इस प्रकार का था कि वहाँ पर रचनाओं के लिए धार्मिक क्षेत्र ही सबसे बड़ा क्षेत्र था। अभ्रंश का बाल्मीक और अभ्रंश का व्यास स्वयंभू को इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि उनकी रचनाओं में जो धार्मिक स्वरूप हमें महाभारत और रामायण में दिखाई पड़ता है वह स्वयंभू की रचनाओं में भी कहीं ना कहीं परिलक्षित होता है, स्पष्ट दिखाई पड़ता है। और अभ्रंश के दूसरे प्रमुख कवि के रूप में जो हम सामने देखते हैं पुष्पदंत, पुष्पदंत का कहीं ना कहीं तालाब कन्फ्यूजन में या यूं कह लें कि सही से समझ ना पाने के कारण पूर्ण कवि से रखते हैं, जो शिव सिंह सेंगर द्वारा हिंदी साहित्य का प्रथम कवि स्वीकार किए जाते हैं। लेकिन दोनों कवियों के बीच काफ़ी अंतर है, जहां पुष्य या पूर्ण की कोई रचना नहीं प्राप्त होती है वहीं पर पुष्पदंत की रचनाएं प्राप्त होती हैं। पुष्पदंत की रचनाओं में महापुराण सबसे प्रमुख रचना है। महापुराण के साथ साथ महापुराण में जो इसका नाम पड़ा, इसमें 63 महापुरुषों के जीवनी का उल्लेख है, 63 महापुरुषों के जीवनी या जीवन चरित्र का उल्लेख है। उसके बाद अड़य कुमार चरित्र और जसहर चरित्र की चर्चा हमारे बीच उस दंत की रचनाओं के रूप में की जाती है। और अभ्रंश के जो अन्य कवि हैं उन कवियों में सबसे महत्वपूर्ण कवि जिनकी रचनाएं हमेशा हर स्तर की परीक्षाओं में पूछी जाती हैं वह कवि हैं धनपाल। धनपाल की भविष्य कहा, ऐसा कोई एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं होता है, ऐसी कोई प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं होती है जहां पे ना पूछी जाए। हमारे अनुभव के अनुसार लगातार 4 से 5 वर्षों में टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी गई, तो यह क्वेश्चन या यूं कह लें स्वयंभू, पुष्पदंत और धनपाल, अब्दुल रहमान इतने महत्वपूर्ण कवि हैं आप सबके लिए, इनकी रचनाएं और इनके नाम आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट करके रखना है। तो धनपाल की भविष्य का हमेशा आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको आप जरूर नोट कर लें। और अब्दुल रहमान
जो लोग कवि के रूप में जाने जाते हैं, उनकी संदेश राशि हर समय आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती है। संदेश राशि एक वियोग काव्य के रूप में पढ़ा जाता है और इसमें श्रृंगार परक वियोग है और यह बहुत ही अत्यंत सुंदर रचना है। इसी के क्रम में अभ्रंश के साथ साथ जो अन्य विकास इसमें दिखाई देता है सिद्ध का और जैन साहित्य का, क्योंकि सिद्धों जैनों और अभ्रंश के रचनाकारों की रचनाओं में भाषाई अंतर बहुत कम स्पष्ट परिलक्षित होता है, बहुत कम दिखाई पड़ता है। तो सिद्ध कवियों में जो हिंदी साहित्य के प्रथम कवि के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, सराप्पा का नाम सर्वोपरि आता है। और मैं बता दूं कि सिद्धों की संख्या 84 है। इन 84 सिद्धों में या सभी धार्मिक प्रवृत्तियों में लिप्त थे, धार्मिक कार्यों में ज़्यादा संलिप्तता थी, लेकिन कुछ एक जैसे सराप्पा, सबरपा, लुईपा, खंडपा प्रभृति जैसे सिद्धों ने रचनाएं भी की। और इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे सिद्ध रचनाकार या सिद्ध संत दिखाई पड़ते हैं, उनकी रचनाएं अपर्याप्त हैं या फिर कहीं दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो यहाँ पर सराप्पा का जो प्रमुख उनकी रचना है दोहा कोश, वह हर कंपिटेटिव एग्जाम में पूछी जाती है, तो प्लीज़ इसको आप भी नोट कर लें। सराप्पा के साथ दोहा कोश, यहाँ पे एक सवाल का मैं और जवाब देना चाहूँगा या उस पर डिस्कस करना चाहूँगा। सराप्पा की दोहा कोश को हिंदी साहित्य की प्रथम रचना क्यों नहीं माना जाता है? दोहा कोश बात का संकलित नाम है। जब सराप्पा ने इस चीज को फुटकर रूप में या फिर अपने लिखे जो भी उनके पांडुलिप हस्तलिप प्राप्त होती है उसमें कोई पुस्तकाकार स्वरूप नहीं था, बाद के विद्वानों ने इसको पुस्तकाकार स्वरूप दिया, इसीलिए हिंदी साहित्य की पहली रचना नहीं मानी जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि सराप्पा हिंदी साहित्य के प्रथम कवि तो हैं, लेकिन दोहा कोश हिंदी साहित्य की प्रथम रचना नहीं है। और सबरपा जिनकी चर्या पद बहुत सारे एग्जाम में बहुत सारे परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो इसको भी आप नोट कर लें। और लुईपा जो एक प्रसिद्ध सिद्ध संत थे और यह सिद्धों में सर्वप्रथम या अग्रणी माने जाते हैं। साथ डोंडिका और बिरपा और कंडपा बहुत ही इसके प्रसिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन इनकी रचनाओं की बहुत ज़्यादा कोई संख्या प्राप्त नहीं होती है। लेकिन डोंडिपा की योगचर्या, डोंडगीतिया और अक्षर द्विपोष रचना प्राप्त होती है। चर्चाएं बहुत सारी हैं, लेकिन आज हमारा जो उद्देश्य है, जो हम आज प्रमुख रूप से आपको बताना चाहते हैं, कवि और उनकी रचनाएं और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां ही बताना मेरा उद्देश्य है। तो इसी क्रम में मैं रासो साहित्य के अंतर्गत मैं इसके पहले कि जैन साहित्य के बारे में बताऊँ, क्योंकि रासो साहित्य इन सबसे अलग हो जाएगा। अभ्रंश के जो तीन प्रमुख हिस्से हैं, जो पार्ट हैं, वो पार्ट यही हैं अभ्रंश, सिद्ध और जैन, क्योंकि इनकी भाषाई जो लेखन प्रक्रिया थी बिल्कुल समान थी, सिर्फ धार्मिक प्रवृत्तियों के आधार पर इनको अलग किया गया है। तो जैन साहित्य जो है वह जैन साहित्य के अंतर्गत निश्चित रूप से यह जो क्षेत्र था ये पश्चिम का क्षेत्र था, भारत का पश्चिमी जो क्षेत्र है वहाँ पर जो रचनाएं जो वहाँ पे स्वरूप दिखाई पड़ता है और जो वहाँ के जैन मतावलंबी थे और उनके जो आचार्य थे उनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई वास्तव में हिंदी साहित्य को काफ़ी समृद्ध करती हैं। उनमें से जो प्रमुख नाम हमारे सामने हैं या प्रमुख नाम जो आते हैं उन नामों को हम जरूर आपको एक बार जो कुछ एक नाम मुझे याद है मैं बताना चाहूँगा। उन नामों में से सबसे पहले जीवदत्त सूरी जो बहुत ही बड़े जैन कवि और आचार्य के रूप में हमारे सामने दिखाई पड़ते हैं। जीवदत्त सूरी की जो रचना हमारे सामने हम सबको मिलती है पढ़ने लिखने के लिए वह उद्देश्य रसायन रास है। उद्देश्य रसायन रास चाचर और काल स्वरूप रचनाएँ उनकी बहुत ही काल स्वरूप पुलक रचनाएँ काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और यह जरूर आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। जीवदत्त सूरी की रचना
इसके साथ साथ हमने बताया कि अभ्रंश के जितने भी रचनाकार हैं, रासो के जितने रचनाकार हैं और जैन साहित्य के, वह कहीं ना कहीं मिले जुले हुए हैं। इस श्रेणी में अब्दुल रहमान का भी नाम कहीं कहीं लिया जाता है, लेकिन जो प्रमुख नाम जैन कवियों में है, क्योंकि अब्दुल रहमान की रचना धर्म से इतर भी है, लेकिन संदेश रासक कहीं कहीं जैन परंपरा के अंतर्गत भी लोग मानते हैं। शालबद्ध सूरी जो प्रमुख हमारे आचार्य और कवि के रूप में, जैन कवि के रूप में सामने आते हैं, उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना भारतेश्वर बाहुबली रास, जो बहुत सारी परीक्षाओं में पूछी जाती है, व्यक्तिगत रूप से TGT PGT के विद्यार्थियों के लिए, और खासकर जो वर्तमान पैटर्न बदला है उस पैटर्न के अंतर्गत टेट और सुपर टेट और CTET के एग्जाम में भी पूछी जाती हैं परीक्षाओं में, तो इसको आप जरूर नोट करके रखें। उसके बाद हमारे सामने देवसेन जो श्रावकाचार्य के रचनाकार हैं, जो एक पुस्तकाकार रचना के रूप में सबसे पहले हमारे सामने दिखाई पड़ती है और हिंदी साहित्य की प्रथम रचना के रूप में विद्वानों ने स्वीकार किया है। इस प्रकार से देवसेन की श्रावकाचार्य जो हिंदी साहित्य की पुस्तकाकार रूप में पहली किताब मानी जाती है, जिसका समय लगभग 10वीं शताब्दी का माना जाता है, और इस एग्जैक्ट टाइम न कहकर हम ही कह लें कि 933 के आसपास का समय स्वीकार किया जाता है। हिंदी साहित्य के जैन कवियों में आसभ्य कवि का महत्वपूर्ण स्थान है। आसभ्य कवि की जो रचनाएं हमारे सामने दिखाई पड़ती हैं, जो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, वह चंदन बाला रास है। चंदन बाला रास जो धर्म से ही संबंधित रचनाएं हैं, लेकिन भाषा और हिंदी विकास क्रम में बड़ी महत्वपूर्ण प्रतीत होती हैं। जिन धर्म सूरी, यहाँ पे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, जिन धर्म सूरी और जिन दत्त सूरी दोनों अलग अलग नाम हैं और दोनों के अलग अलग रचनाएं हैं। कभी कभी हमारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को गलत कर जाते हैं, क्योंकि बेसिक जो अंतर है, जिन दत्त और जिन धर्म सूरी का नाम एक जैसा है, दत्त और धर्म का अंतर है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें, जिन दत्त और जिन धर्म दोनों अलग अलग आचार्य या कवि हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास जिन धर्म सूरी के बारे में जो चर्चा होती है, जो उनकी रचनाओं को देखा जाता है, जो उनकी रचनाएं स्वीकार की जाती हैं, उसमें स्थूल भद्रास जो एक महत्वपूर्ण रचना है, इस प्रकार से बहुत सारे कवि हैं जिनकी बहुत सारी फुटकर रचनाएँ बहुत तरह तरह से देखने को, उनके पद मिलते हैं, दोहा मिलते हैं, चौपाई मिलती हैं, बहुत सारी रचनाएं मिलती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वह हमारे सामने उनका रिकॉर्ड, उनके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तो मैं प्रमुख रूप से जितने हैं उन्हीं पर चर्चा करूंगा, और अगला जो नाम है या अगला जो काल है, इसमें मैं आपके सामने नाथ साहित्य पर जरूर चर्चा करना चाहूँगा। नाथ साहित्य, यहाँ से अभ्रंश की जो तीन परंपराएं भाषा के रूप में डेवलप दिखाई पड़ती हैं, चाहे वह अभ्रंश, सिद्ध और जैन, भाषाई आधार पर एक प्रकार की थी, धार्मिक रूप से अलग थे, लेकिन यहाँ पर नाथ साहित्य भाषाई रूप से भी अलग हमें दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो नाथ साहित्य की रचना का रचना की भाषा है, वह सधुकड़ी भाषा है। हमारे बीच में सधुकड़ी भाषा का जो प्रचार प्रसार, जिसको हम बहुत प्रसिद्ध नाम के साथ जोड़ते हैं, कबीरदास जी के साथ सधुकड़ी भाषा का प्रयोग या उनकी भाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन इसका जो स्वरूप दिखाई पड़ता है वह हमें नाथ साहित्य से ही दिखाई पड़ता है। क्योंकि नाथ साहित्य में जितने भी हमारे नवनाथ, यानी नाथों की संख्या 9 थी, उन नवनाथों में मत्स्येन्द्र नाथ जो सब उसमें श्रेष्ठ थे, लेकिन उनके बाद हमारे बीच में गोरखनाथ जी ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की और उनकी रचनाओं से ही नाथ साहित्य को एक संप्रदाय के रूप में मान्यता मिली। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वह भाषा के आधार पर नाथ साहित्य रासो जैन से और सिद्ध साहित्य से अलग हो जाता है। यहाँ कुल मिलाकर के वज्रयान जो बौद्ध धर्म की एक शाखा है, उससे अलग होकर के बना हुआ है। यह शून्यवाद पर आधारित है, जो नागार्जुन के शून्यवाद का पोषक है, लेकिन इनका जो उद्देश्य था वह उच्च आदर्श की स्थापना करके एक
जो ईश्वर जो परमात्मा की प्राप्ति है उसका लक्ष्य जो था वह कहीं ना कहीं इनका प्रमुख उद्देश्य था। लेकिन नवनाथों में से जो प्रमुख रूप से कवि के रूप में हमारे सामने दिखाई पड़ते हैं वह गोरखनाथ जी हैं, जिनकी 14 रचनाओं को संकलित किया गया है। उन 14 रचनाओं के आधार पर इनको जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, दो चार रचनाएं जो हमें याद हैं मैं उसके बारे में जरूर बताना चाहूँगा जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण इनकी जो रचना ज्ञान तिलक, प्राण शक्ले, शिष्या दर्शन जैसे महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी पूछी जाती हैं, और यह रचनाएं स्टूडेंट्स जरूर नोट करके रखें और यह जरूर नोट कर लें कि वज्रयान शाखा के पोषक जो वज्रयान शाखा है वह कौन से धर्म से संबंधित है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन हम लोगों के बीच में जो डीप में जाकर के पूछा जाता है तो उठाए जाते हैं। प्राण शक्ली शिष्या दर्शन के बाद इनके शब्द और पद नाम से भी रचनाएं मिलती हैं, और कुछ रचनाएं इनकी संस्कृत भाषा में भी लिखी गई हैं। मैं नाथ साहित्य के जो नौ कवि या संत थे उनमें से कुछ एक नाम जो कोशिश करता हूं कि आपको बता सकूं, तो सबसे पहले हम क्रम को नहीं बता पाएंगे लेकिन अभी हम आपको नाम जरूर बताने का प्रयास करते हैं। नागार्जुन, जड़ भरत, भीमनाथ, चरपट, हरिश्चंद, चौरंगीनाथ, सत्यनाथ और जालंधर का नाम प्रमुख रूप से हमारे सामने दिखाई पड़ता है, और इन नवनाथों में गोरखनाथ की रचनाएं ही हमारे सामने दिखाई पड़ती हैं। अब जो महत्वपूर्ण पक्ष और इस व्याख्यान का आखिरी पक्ष है मैं उस पर चर्चा करना चाहूँगा, रासो साहित्य। रासो साहित्य के बारे में हम इतना कहना चाहेंगे यह रासो साहित्य वह साहित्य है जिसके आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने पूरे हिंदी साहित्य का नामकरण वीरगाथा काल के नाम से देने का प्रयास किया था। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि वीरगाथा काल नाम देने के पीछे जिन रचनाओं का महत्वपूर्ण योगदान था उन रचनाओं में सबसे प्रमुख रूप से जो रचनाएं हैं उससे पहले मैं बता दूं कि भाषाई आधार पर यह सिद्ध जैन और अभ्रंश से अलग थी, क्योंकि यहाँ पे जो प्रमुख भाषा हमें दिखाई पड़ती है डिंगल और पिंगल दिखाई पड़ती है। डिंगल और पिंगल जो हिंदी की राजस्थानी और संस्कृत मिश्रित भाषा थी, तो कुछ कवियों ने डिंगल का तो कुछ ने पिंगल का प्रयोग किया है। इस आधार पर या भाषाई आधार पर कहीं ना कहीं यह अलग है, नाथ से भी अलग है, रासो से, सिद्ध से भी अलग है, जैन से भी अलग है, अभ्रंश से भी अलग है। तो महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे है कि भाषाई आधार के साथ साथ यहाँ पे जो प्रमुख रूप से वीरगाथा काल नाम देने का उद्देश्य रहा वह भी इस रचनाओं के क्रम में हम बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे जो रचना हमारे सामने हमको दिखाई पड़ती है जिन आठ रचनाओं का जिक्र सभी विद्वान किया करते हैं उनमें से दलपत विजय की कुमार रसो जो एक प्रबंध काव्य के रूप में दिखाई पड़ती है, यह प्रबंध काव्य तो है ही लेकिन यह एक वीर काव्य भी है जिसमें वीरता की वीरता प्रवचनाओं का वर्णन है, और हमारे सामने जो एक श्रृंगार काव्य के रूप में प्रसिद्ध है उस श्रृंगार काव्य के रूप में हमारे सामने विष्णुदेव रासो है। विष्णुदेव रासो जो नाल द्वारा रचित है, तो मैं स्टूडेंट्स आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इसको नोट जरूर कर लें क्योंकि इनमें से आठ रचनाएं हैं, इनमें से एक या दो जरूर आपसे पूछी जाती है। परमार रासो जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के बीए प्रथम वर्ष से लेकर बीए थर्ड ईयर एमए प्रीवियस ईयर में तीनों पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। परमार रासो का बहुत सारा हिस्सा एमए प्रीवियस ईयर में पढ़ना होता है, तो साथ ही साथ पूरे हिंदी सिलेबस के लिए यह जो परमाल रासो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी लोक संस्कृत लोक गाथा के रूप में वीर गाथा के रूप में भी इसको पढ़ा जाता है, गाया जाता है। तो जगनी द्वारा रचित परमाल रासो यह एक वीर काव्य है, एक वीर गीत काव्य है जिसमें वीरता के गीत गाए गए हैं, वीरता की रचनाएं हैं। चंद प्रदाय द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो एक वीर गीत के रूप में स्वीकार की जाती है, और
जो केदार भट्ट एक प्रमुख कवि के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, जिनकी जयचंद प्रकाश एक रचना है, वह भी इसी वीर काव्य में प्रबंध काव्य के रूप में स्वीकार की जाती है। मधुकर कवि की रचना जयमयन जसचंद्रिका भी हिंदी साहित्य के इस वीर गाथा काव्य के अंतर्गत स्वीकार की जाती है। और सारंगधर रचित हमीरासो भी वीर काव्य का एक उदाहरण है। और नल सिंह विजय पालरासो की रचना करके इसमें और श्री वृद्धि करते हैं और इसको बढ़ाते हैं। लेकिन इसमें जो आखिरी नाम है श्रीधर का नाम है, जिनकी रण मल छंद नाम से एक रचना है, जिसको पिछले हमने कई एग्जाम में देखा है, पूछा गया है, क्योंकि या आजकल का ट्रेडिशन जो है, जो परंपरा है पूछने की, वह कुछ इस प्रकार से है। जिन बिंदुओं को लगातार स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, इनको लगातार पिछले वर्षों में पूछा गया है, उसको छोड़कर के सवाल पूछे जाते हैं। तो श्री धर की रणक्षण मल 2016 के जो 47 की वैकेंसी रही, उसमें डिग्री कॉलेज के हिंदी के पेपर में पूछा गया था। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, या राष्ट्र साहित्य के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण जो राष्ट्र साहित्य की रचनाएं हैं, आपसे पूछी जाती हैं, तो आप लोग जरूर नोट करके रखेंगे। मैं इस आखिरी पड़ाव में कुछ एक नाम, जैसे हिंदी साहित्य के आदिकाल में स्वीकार किए जाते हैं, जैसे हमें खुसरो का विद्यापति की रचनाएं भी इसमें स्वीकार की जाती हैं। अमीर खुसरो का समय जो है वह 1253 से लेकर 1325 के आसपास स्वीकार की जाती है, जिनका जन्म एटा के पटियाली में हुआ था। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आज एटा का स्वरूप बदल चुका है। हमें आपको प्राचीन के साथ साथ नवीन ज्ञान से भी जुड़े रहना है। आज एटा का हिस्सा कासगंज एक नए जिले के रूप में हमारे सामने है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि अमीर खुसरो का जन्म किस जिले में हुआ, तो वर्तमान जो उत्तर होगा वह कासगंज जिला होगा और पटियाली स्थान होगा। वह पटियाली स्थान वर्तमान समय में कासगंज में या कासगंज के अंतर्गत आता है। इसी के साथ विद्यापति का नाम लिया जाता है, क्योंकि विद्यापति का जो समय है वह 14वीं शताब्दी का समय है, और 14वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 15वीं शताब्दी का मध्य का समय है। तो कहीं ना कहीं या आदिकाल और भक्तकाल के उस दोराहे पर हैं, जहां पर इन्हें कुछ विद्वान आदिकाल में स्वीकार करते हैं, कुछ विद्वान भक्तकाल में स्वीकार करते हैं, लेकिन अधिकतर जो हमारे प्रमुख विद्वान हैं इन्हें भक्तकाल आदिकाल का ही स्वीकार करते हैं। और विद्यापति की जो रचनाएं हैं वह विद्यापति की रचनाएं कीर्तिलता, कीर्तिपताका, पदावली और गोरक्ष विजय जैसे बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। इन्होंने अपभ्रंश के साथ साथ मैथिली और संस्कृत में भी रचनाएं की हैं। और अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि अमीर खुसरो को तोते हिंद कहा जाता है, जो कि जनरली छोटी से छोटी परीक्षाएं, जहां जैसे हम रेलवे, पुलिस, टेट, बीएड के जैसे एंट्रेंस एग्जाम, ऐसे परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि तोते हिंद किसे कहा जाता है, तोते हिंद के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो इस चीज को आप याद रखें, तोते हिंद या तूतीय हिंद के नाम से अमीर खुसरो को माना जाता है या कहा जाता है। अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था वह अबुल हसन था, और अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का आदिकवि कहा जाता है, क्योंकि हिंदी खड़ी बोली का विकास जो होता है वह अमीर खुसरो से ही दिखाई पड़ता है हिंदी साहित्य में। और अमीर खुसरो की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊं। इनकी प्रमुख रचनाएं खाली बारी, दो सुखने और पहलियां और मुखरियां जैसे इनकी कई रचनाएं हैं, लेकिन खाली बारी और दो सुखने इनकी रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं। आप लोग
तीन चार क्वेश्चन अमीर खुसरो से हमेशा याद रखें। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? जैसे अमीर खुसरो का जन्म वर्तमान स्थिति जो है वह पटियाली है, ना कि एटा है, और पटियाली जो है वह कासगंज में है। उसके बाद इनकी रचनाएं खाली बारी, दो सुपने, तृतीय हिंद या तृतीय हिंद, और हिंदी खड़ी बोली का आदि कवि के रूप में जो मान्यताएं हैं, कुल मिलाकर 5 से 6 क्वेश्चन इनके लिए बनते हैं। अब इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत जितना आपको हमने बताया उसमें एक महत्वपूर्ण और छोटा से जो मेरे मन में है और आपकी बताना आपके लिए बताना जरूरी समझता हूँ, वह जरूर बता दूँ। या जैसे हिंदी साहित्य का पहला महाकवि किसे स्वीकार किया जाता है? वास्तव में हिंदी साहित्य का जो पहला महाकवि स्वीकार किया जाता है वह नाम है पृथ्वीराज रासो रचनाकार चंद्रताई का, और पहली जो रचना स्वीकार की जाती है वह स्वीकार की जाती है पृथ्वीराज रासो। लेकिन यहाँ पे मौलिक अंतर समझना है कि श्रावकाचार क्या है। फिर अगर पृथ्वीराज रासो पहली रचना है तो श्रावकाचार क्या? मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि श्रावकाचार जो है वह हिंदी की पहली रचना है, लेकिन जो हमारी बात पृथ्वीराज रासो है वह हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य है। और रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार रामचंद्र शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो और चंद्रताई को हिंदी की पहली रचना और पहले महाकाव्य और पहले महाकवि के रूप में स्वीकार किया है। तो मौलिक अंतर है कि महाकाव्य और महाकवि और पहली रचना या पहली रचना के साथ पहला कवि, तो मौलिक अंतर जरूर आप याद रखें, उसको ना भूलें। उसके साथ रासो साहित्य की प्रमाणिकता पे हमने पिछले लेक्चर में आपसे बात की थी। रासो साहित्य की प्रमाणिकता को लेकर के, खासकर पृथ्वी रासो की प्रमाणिकता को लेकर, तो हमारे कुछ विद्वान बहुत सारे अपने उनके रिसर्च हैं, बहुत सारे शोध हैं, उसके आधार पे प्रमुख रूप से जो उसको प्रमाणिक मानते हैं, प्रमाणिक मानने वाले विद्वान जो हैं वो मुख्य रूप से हमारे सामने हमको जो पढ़ने के लिए मिलते हैं, श्याम सुंदर दास जी का नाम है, कर्नल डार का नाम है, मिश्र बंधु का नाम है, या उस रचना को प्रमाणिक मानते हैं, कर्नल डार जी, मिश्र बंधु जी और श्याम सुंदर दास जी। लेकिन इस रचना को अप्रमाणिक भी मानने का जो पक्ष है वह भी बहुत मजबूत पक्ष है। अप्रमाणिक मानने का पक्ष जो है वह हमारे प्रमुख आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, अंग्रेजी विद्वान बुलर हैं और देवी प्रसाद जी हैं, और प्रभृत कुछ विद्वान हैं जो इसको अप्रमाणिक मानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी विद्वान हैं, कुछ ऐसे भी हमारे विद्वानों की एक कैटेगरी है, एक श्रेणी है, जो इसको न तो प्रमाणिक मानती है न तो अप्रमाणिक मानती है, अर्थ प्रमाणिक मानती है। तो मैं यहाँ पे अर्थ प्रमाणिक मानने वाले जो विद्वान हैं जैसे डॉक्टर दशरथ ओझा, सुनीति कुमार चटर्जी और हरि प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वान इसको अर्थ प्रमाणिक मानते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में, इस व्याख्यान में, मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिले होंगे, बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। अगला वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, लेकिन उससे पहले आप इसको अच्छे से देखें और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं जो भी त्रुटियां हो, मैं अगले व्याख्यान में उसको सुधार कर लेकर आऊंगा। धन्यवाद सर। पटेल सर, आपके अनुसार अपभ्रंश का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? जी बढ़िया सवाल। देखिए अपभ्रंश का जो प्रथम उल्लेख है हमें वह दिखाई पड़ता है बल्लवी के राजा धारसेन जो थे उनका एक शिलालेख मिलता है बल्लवी में, और उस शिलालेख में वह अपने पिता का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि वह अपभ्रंश संस्कृत जैसे भाषाओं के अच्छे जानकार थे। तो सबसे पहला उल्लेख बल्लवी के धारसेन के शिलालेख से मिलता है, अपभ्रंश शब्द का उल्लेख। अच्छा, अपभ्रंश शब्द का उल्लेख, एक महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने। एक बात और बताइए, सरपा को अन्य किसी और नाम से भी जाना जाता है क्या? इसको सरपा, अच्छा सरपा। देखिए सरपा को हमने जैसे अपने व्याख्यान के अंतर्गत आपको बताया कि सरपा जो थे स्थूलवध और सरोजवध के नाम से भी जाने जाते थे,
इस वीडियो के अंतर्गत हम सर आपको बताएं कि क्वेश्चन हमने उन अच्छे और बड़े क्वेश्चन शामिल किए हैं, लेकिन इसके बाद भी, इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे टेक्निकल और बड़ी परीक्षाओं के लिए बहुत बिंदु छूटे हुए हैं। आप लोग कमेंट करके बताएंगे और नोट करके बताएंगे, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि इस व्याख्यान के अंतर्गत वो सारी चीजें समाहित नहीं कर पाए हैं जिसकी जरूरत अभी आपको और भी है। तो सरोज भट्ट और यहाँ पे राहुल भट्ट के नाम से इनको उपनाम से भी जाना जाता था। एक प्रश्न और है सर, खड़ी बोली को भी किसी और नाम से बुलाया जाता? देखिए, खड़ी बोली जो है उसको हम अपने यहाँ कौरवी भाषा के नाम से भी जानते हैं, मानव भाषा के रूप में भी स्वीकार करते हैं। तो जैसे जैसे भाषाई विकास का क्रम बढ़ता जाता है, वैसे वैसे नाम में भी काफ़ी परिवर्तन आते जाते हैं। तो वर्तमान समय में खड़ी बोली को ही मानव भाषा या कौरवी भाषा, जो कि कौरवों के समय की भाषा थी, कौरवों के क्षेत्र में बोली जाती थी, तो उसके नाम के आधार पर उसका नामकरण मिलता है। दोस्तों, ये था हिंदी साहित्य पे एक बहुत बढ़िया लेक्चर सर की तरफ से। आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को इसी तरीके से देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अभी के लिए धन्यवाद।